हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो भाई लोगों, ये है नई टीम जिसमें एक नया पोकेमोन है गाइस। और यहाँ मैं 4 मैच खेलने वाला हूँ और शायद कोई एक मैच में हार भी जाऊँगा। तो गाइस, यहाँ पर अभी देखेंगे एक अच्छी लीड मिली है। तो लेट मी टॉक अबाउट गैलाइट। तो कैसा पोकेमोन है गाइस? सबसे पहली बात, ये अच्छा पोकेमोन है, अटैक अच्छे हैं गाइस। मैंने इसके दोनों अटैक ट्राई कर लिए हैं गाइस, लीफ ब्लेड भी ट्राई कर लिया और क्लोज कॉम्बैट भी ट्राई कर लिया है। दोनों को एक साथ यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, कैंडीज नहीं है। दूसरी बात, मेरे पास स्टारडस्ट अभी नहीं है गाइस, ठीक है। मे बी नेक्स्ट सीजन कभी ट्राई करेंगे इसको। फिलहाल जहाँ तक मैं समझा उसको, तो मुझे ये ठीक लगा है, इतना खास भी नहीं लगा गाइस। बस ये है कि थोड़ा मतलब इसका कन्फ्यूज़न अटैक थोड़ा इफेक्टिव है। कन्फ्यूज़न के साथ साथ इसका जो लीफ ब्लेड है वो थोड़ा मतलब इसका सपोर्ट कर रहा है गाइस। बाकी यहाँ पर हम मैच देख ही रहे हैं गाइस, मैचिंप और वेनोसोर है। तो ये दोनों पोकेमोन, तो गाइस एक्चुअल में मैंने ये दोनों बल्की पोकेमोन, मतलब वेनोसोर जो है वो एक्चुअल में बहुत बल्की बल्की पोकेमोन है, इसलिए मैंने उसको रखा हुआ है। और मैचिंप इसलिए रखा है क्योंकि यार स्टील टाइप पोकेमोन बहुत आते हैं, क्या करें उनका, मतलब स्टील टाइप, ग्राउंड टाइप, इन सब के लिए मैचिंप थोड़ा सही है। और यहाँ पर अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बचा है वेनोसोर, जो कि मतलब गेम की जान है गाइस। थंबनेल में आप गैलेट देखेंगे, वो इसलिए लगा रखा है क्योंकि वो सच में अच्छा पोकेमोन है और काफ़ी काम आएगा आगे। आप देखेंगे तो आगे काफ़ी सारी बैटल में काम आएगा गाइस, अकॉर्डिंग टू मी ठीक है। अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हो तो कर लें यूज़। और वो मतलब ऐसा पोकेमोन है कि उसको आप ज़्यादा देर यूज़ नहीं कर पाओगे। आपको कुछ बैटलों में वो काम करेगा, कुछ बैटलों में बहुत अच्छा काम करेगा गाइस, क्योंकि उसका जो फास्ट अटैक है गाइस, जो कन्फ्यूजन अटैक है, उसका डैमेज सबको पता है। तो जैसे कि यहाँ पर फाइटिंग टाइप पोकेमोन था वाटर फाइटिंग टाइप, वाटर ऑफ फाइटिंग टाइप पोकेमोन था गाइस, तो वो तो चला गया। तो मैंने भी स्विच कर लिया, पता नहीं क्यों स्विच कर लिया। और अभी यहाँ पर ऊपर ग्लाइडर उड़ रहा है, पता नहीं कौन उड़ा रहा है यार, कुछ चल रहा है लग रहा है, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी गाइस। यहाँ रॉक स्लाइड है अपने पास और सामने वाला ड्रैगन क्लो मार रहा है, मुझे पता है, इसलिए मैंने शील्ड यूज़ नहीं की। ब्लास्ट बन मार, अब देखो गाइज ये शील्ड बंदा यूज़ करेगा, इसने मतलब कसम खा ली शील्ड यूज़ करने की गाइज। तो एक ग्लिच और अगर आपको देखने को मिला होगा गाइज, कि आजकल शील्ड का कलर चेंज नहीं हो रहा यार, कभी कभार चेंज होता है, कभी कभार चेंज नहीं होता है। ये बात थोड़ी यार बुरी है यार, अब कोई मतलब मेरे से नया बंदा हो, नौ सीखिया हो गाइज, उसको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये अटैक खतरनाक है कि क्या है। वो मतलब देखेगा शील्ड का कलर चेंज नहीं हुआ है, अगली बार शील्ड ही यूज़ नहीं करेगा। सो गाइस, अगर आप लोगों को पता नहीं तो बता दूं गाइस, जो शील्ड होती है इसके कलर होते हैं गाइस। अगर इसका ब्लू कलर आता है गाइस तो मतलब ठीक ठाक है गाइस, ग्रीन कलर अगर आता है गाइस तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, और अगर रेड कलर आता है तो मतलब सुपर इफेक्टिव। तो ये कुछ होता है गाइस, थोड़ा मैंने गलत बोला उसके लिए सॉरी, बट ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर सामने मैं इस पर पॉइज़न नहीं मार सकता हूँ क्योंकि वो मेरे को डार्क मार के ख़त्म कर सकता है। तो मैंने सोचा जितनी जान बची उतना हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तो बढ़िया रहेगा आगे वाले पोकेमोन के लिए। डार्क टाइप पोकेमोन की एक वीकनेस गाइज ये भी है कि उसको, यस गाइज, उसको काउंटर अटैक से भी दिक्कत है, फाइटिंग टाइप अटैक से भी दिक्कत होती है। अगर आपको याद है ग्रेट लेक में अगर आप एम्ब्रियन यूज़ करते हो तो उसकी एक वीकनेस है फाइटिंग टाइप भी गाइज, और काफ़ी अच्छा डैमेज करता है मैचम, काफ़ी अच्छा डैमेज करता है मैचम। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पोकेमोन्स को कवर कर लेता है गाइज। मैं इसको पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, पहले यूज़ नहीं किया करता था गाइज, क्योंकि था बट आई वीज अच्छी नहीं थी। अभी गाइज यहाँ पर आप देखेंगे ये भी बढ़िया बढ़िया लीड है गाइज, बट मैं यहाँ शील्ड यूज़ करने की सोच रहा हूँ, मैंने शील्ड यूज़ नहीं की। ओके, तो मैंने शील्ड यूज़ नहीं की बट नेक्स्ट टाइम मैं शील्ड पक्का यूज़ करूँगा। रिकॉर्डिंग कर ली, याद ही नहीं रहता, ये रात में रिकॉर्डिंग की मैंने, अगर आप देखेंगे तो रात में 10-11 बज रहे होंगे ऊपर, अभी तो दिख नहीं रहा, दूर लैपटॉप दूर रखा है मैंने। तो अभी ये लीफ ब्लेड गाइस इनसेन, मैंने लीफ ब्लेड का अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि जो उसका नया पोकेमोन आएगा उस पर हम लोग करेंगे और शील्ड बिल्ड खराब करने काम आएगा। तो यहाँ देखिए गाइस रेड बना, शील्ड का कलर रेड हो गया था, ये कभी कभार होता है कभी कभार नहीं होता है। इसका आइस बीम रिस्की है मेरे लिए गाइस, बट अगर वेनोसोर है और सामने वाला बंदा आइस भी मार रहा है, सुपर इफेक्टिव है नो डाउट, बट इतना डैमेज नहीं करेगा।
सुपर इफेक्टिव देगा बट इतना डैमेज नहीं करेगा। वो आइस है इसलिए सुपर इफेक्टिव है, बाकी तो नॉर्मल ही है गाइस। अपन पॉइजन ही पॉइजन पहले आ रहे हैं गाइस, अपने पास फ्रेंजी प्लांट नहीं है ठीक है, कोई कमेंट नहीं करेगा नीचे कि तेरे पास फ्रेंजी प्लांट भी नहीं है। तो गाइस ये वाला मैच भी बड़ा शानदार हुआ है, इसमें तो मैं मतलब खींच कर ले जाऊँगा लास्ट तक, मुझे इसके रॉक ब्लास्ट से कोई डर नहीं है गाइस, कोई भी डर नहीं है। और अभी अपन स्पेस सीधे ग्रास टाइप अटैक करेंगे, पेटल बिजर्ड। तो गाइज ये मैच भी हम जीत गए, कोई एक मैच हारा भी यार, पता नहीं इसमें हारा हूँ किसमें हारा हूँ याद नहीं रहता यार। सेम टीम यूज़ कर रहे हैं गाइज, तो अभी अपन ने ये शायद से मेरी चौथी वीडियो होगी जो कि पीवीपी पे है इस सीज़न के। सो गाइज ये वाला मैच शायद से मैं हार जाता हूँ, शायद से हाँ ये वाला मैच मैं हार गया हूँ गाइज। तो इनका जो मेन पोकेमोन गाइज यही है जो सामने खड़ा है, इसका क्या यार, ये फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है गाइज, और फ्लाइंग टाइप पोकेमोन मेरी पूरी टीम की वीकनेस फ्लाइंग टाइप ही है गाइज। अगर आप एक लंबे स्केल पे देखेंगे गाइज तो अपना विनोसॉर फ्लाइंग टाइप के सामने मतलब कमज़ोर है गाइज, वहीं पर अपना मैचम्प फ्लाइंग टाइप के सामने कमज़ोर है, और जो था वो भी फ्लाइंग टाइप का कमज़ोर था गाइज। और गाइज ये चलो भाई इन्होंने शील्ड यूज़ नहीं की बट कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा गाइज, क्योंकि इस पोकेमोन को पॉइजन से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि वो पोकेमोन पॉइजन टाइप है, जहर वाला पोकेमोन क्या दिक्कत होगी यार, ऊपर शील्ड भी यूज़ कर ली उसने। तो यहाँ पर अपना खेल तो ख़त्म हो सकता है, बट मैंने शील्ड यूज़ की है, मुझे डाउट है कि लास्ट में ऐसा क्या छुपाए बैठे हो यार। तो गाइज लास्ट में इनके वेनोसॉर शायद से। तो अभी देखो यार ये बंदा मतलब ये पोकेमोन यार खतरनाक लगा गाइस, खतरनाक लगा ये पोकेमोन यार, मेरे पास पड़ा हुआ अच्छी हैवी का भी गाइस। तो यहाँ पर गाइस मैंने थोड़ी गलती कर दी, मतलब गलती है हारी गाइस, मैं इस पर रॉक स्लाइड मार रहा हूँ, पता नहीं क्यों मार रहा हूँ फ्लाइंग टाइप पोकेमोन थोड़ी है यार जो रॉक स्लाइड मार रहा है उस पर। तो ऐसा होता है, उनकी टीम में एक पोकेमोन था जिसने मतलब पूरी टीम की लंका लगा दिया। तो गाइस यहाँ पर हम लोग आपके सामने काफ़ी लंबा खेले बट ठीक है। चलो गाइस थैंक यू वॉचिंग, हैव अ नाइस डे गाइस। ये पोकेमोन बहुत मस्त लगता है यार, बड़ा प्यारा सा है, इसको ये मेरे पास शायद तीसरी बार पकड़ रहा हूँ गाइस। चलो गाइस बाय बाय, लव यू ऑल, और लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।